सो बेस्ट पीसी बिल अंडर 40,000 रुपीज। अब देखो यार, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका बजट 40,000 है तो कैसे आप अपने लिए एक परफेक्ट गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हो। अब देखो यार, ये जो 40,000 का बजट होता है, मैंने देखा है कि इसमें काफी सारे लोग गलत कंपोनेंट्स को चूज करते हैं। एंड देखो यार, ये जो बजट है ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा कम है, ये भी काफी ज्यादा है उनके लिए जो कि काफी मेहनत करके अपने लिए पीसी बिल्ड करते हैं। उनके लिए ये भी बजट काफी ज्यादा होता है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे कंपोनेंट्स नहीं परचेज करने हैं जिनसे आपका पैसा वेस्ट हो एंड परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से ना मिले। तो आज की इस वीडियो में यही चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि अगर आपका बजट 40,000 है तो उसमें आप कैसे अपने लिए एक फुल पीसी बिल्ड कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात कि मैं जितने भी कंपोनेंट्स बताऊंगा वो सारे के सारे आपको Amazon पर मिल जाएंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि काफी सारे लोगों का ये भी कमेंट रहता है कि भाई आप अदर साइट्स के लिंक देते हो जहां से हमको परचेस नहीं करना होता है, आप Amazon का लिंक दिया करो क्योंकि वहां पे हम लोग परचेस कर सकते हैं। सो सभी कंपोनेंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके चेकआउट कर लेना। अब देखो यार, अगर आप लोग अभी भी अपने पीसी में पायरेटेड विंडोज यूज करते हो तो ये काफी ज्यादा डेंजरस है आपके पीसी के लिए। अभी के टाइम में आपको विंडोज की काफी सस्ते प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको सबसे बेस्ट वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ, दैट इज रॉयल की। यहाँ पे विंडोज 10 प्रो रिटेल की सिर्फ आपको 599 रुपीज में मिल जाता है। एंड विंडोज 11 का जो प्राइस है दैट इज 649 रुपीज। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको MS ऑफिस ओनली 1499 रुपीज में मिल जाता है। अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हो दैट इज DMT50 तो आपको 50 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपली UPI पेमेंट के थ्रू अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक एंड कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। अब ये जो पीसी बिल्ड रहने वाला है वो टोटली फ्यूचर प्रूफ रहने वाला है। अगले 4 से 5 सालों तक तो आपको कुछ अपग्रेड भी नहीं करना पड़ेगा। सो बात करते हैं सबसे फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में जो कि काफी मेन कंपोनेंट होता है, दैट इज प्रोसेसर। एंड 90% लोग तो यहीं पे गलतियां करते हैं, प्रोसेसर ही ढंग का चूज नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे ये जो पीसी बिल्ड है ये राइजन पीसी बिल्ड रहने वाला है, तो इंटेल पर भी ये पीसी बिल्ड आने वाला है इसी प्राइस रेंज में। तो अगले वीडियो में इस चीज को कवर करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग प्रोसेसर में यूज करो राइजन 5 5500। अब यहाँ पे आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं, विच मीन्स कि ये हेक्साकोर प्रोसेसर रहने वाला है। अब चाहे इसमें आप गेमिंग करो, स्ट्रीमिंग करो, वीडियो एडिटिंग करो, आपका जिस भी तरह का वर्कलोड हो, किसी भी तरह के वर्कलोड के लिए ये काफी अच्छा प्रोसेसर है क्योंकि यहाँ पे 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स मिलते हैं। तो फ्यूचर में आप लोग हाई एंड से हाई एंड ग्राफिक कार्ड भी लगाना चाहते हो, इजिली इसके साथ आप पेयर कर सकते हो। 19 MB का कैश मिल जाता है। इसका जो बेस क्लॉक स्पीड है दैट इज 3.6 GHz, मैक्सिमम क्लॉक स्पीड दैट इज 4.2 GHz। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे अनलॉक प्रोसेसर रहने वाला है, विच मीन्स इसे आप लोग ओवर भी कर सकते हो। अब ये जो प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी अच्छा है, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसकी कमी निकलती है वो है PCIe Gen 3। अब ये जो प्रोसेसर है PCIe Gen 4 को सपोर्ट नहीं करता है, जिसके वजह से आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। बट अगर आपको देखो यार उन सारी चीजों से कोई मतलब है नहीं तो ये भी बहुत अच्छा है। ये आपको Amazon पर 11,500 रुपीज में आराम से मिल जाएगा, तो काफी अच्छा प्रोसेसर है यार। डेफिनेटली अगर आपको इस रेंज में काफी अच्छा गेमिंग पीसी चाहिए वो भी राइजन वाला, तो डेफिनेटली ये प्रोसेसर आपके लिए काफी अच्छा है, डेफिनेटली गो फॉर। नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज मदरबोर्ड। अब देखो यार, मदरबोर्ड में काफी सारे लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको देखो सबसे बड़ी चीज बताता हूँ कि किसी भी पीसी को जो सबसे ज्यादा फ्यूचर प्रूफ बनाता है वो रहता है आपका मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मदरबोर्ड में यहाँ पे आप लोग MSI का V450 Pro VDH Max खरीद सकते हो। अब ये जो मदरबोर्ड है काफी जगह पर आउट ऑफ स्टॉक रहता है, ये आपको Amazon पर भी नहीं मिलेगा, ये आपको अदर साइट्स पर या फिर अगर आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट विजिट करो तो वहाँ पे ये मिल सकता है। इसमें आपको 4 RAM स्लॉट मिल जाते हैं 64/6600 MHz वाले। आफ्टर डेट इसे आप लोग ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, 64 GB यहाँ पे मैक्सिमम रेम लगा सकते हो। यहाँ पे आपको एक M.2 सॉकेट मिल जाता है, विच मीन्स कि आप लोग यहाँ पे NVMe SSD भी लगा सकते हो। इसी के साथ साथ सभी नेसेसरी पोर्ट्स भी दिए गए हैं। इसका जो प्राइस रहता है दैट इज 5,000 से 6,000 के आसपास। बाकी ये मदरबोर्ड अगर आपको नहीं मिलता है तो मैंने आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी रखा है जो कि आपको Amazon पर ही मिल जाएगा, दैट इज ASRock B450M Pro 4। इसमें भी आपको 4 RAM स्लॉट मिल जाते हैं 3200 MHz वाले। आफ्टर डेट आप इन्हें ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। 128 GB मैक्सिमम रेम आप इसमें लगा सकते हो जो कि कभी भी कोई नहीं लगाता है। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आपको 2 M.2 सॉकेट मिल जाते हैं, RGB हेडर एंड इसी के साथ साथ एड्रेसेबल LED हेडर भी मिल जाता है। सभी नेसेसरी पोर्ट्स भी इसमें दिए गए हैं एंड इसका VRAM भी काफी कैपेबल है, तो इसमें आप लोग राइजन 7 भी यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली यूज कर सकते हो इन फ्यूचर। इसका जो करंट प्राइस है अभी का प्राइस जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाद में हो सकता है कि इसका प्राइस हाई भी हो गया हो, दैट इज 6,600 रुपीज। मतलब यार इतने कम प्राइस
राइजन में इतना अच्छा मदरबोर्ड आपको मिल जाता है जो की काफी अच्छा वैल्यू आपको प्रोवाइड कराता है। एंड देखो यार, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि थोड़े से कंपोनेंट्स के प्राइस कम हो जाते तो हम पीसी बिल्ड करते, तो यहाँ पे इस डाउट को आप बिल्कुल ही अपने माइंड से निकाल दो, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स के प्राइस अभी चल रहे हैं इससे ज्यादा कम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। स्पेशली यहाँ पे जो रैम, एसएसडी एंड मदरबोर्ड्स के जो प्राइस हैं इतने ज्यादा ड्रॉप हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हो सकता है कि फ्यूचर में प्राइस ज्यादा हो जाए, लेकिन कम होने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर आपके पास पैसे हैं एंड आप लोग सोच रहे हो कि थोड़ा सा बाद में पीसी बिल्ड करा जाए, तो ये आपके लिए एक गलत डिसीजन रहने वाला है, क्योंकि अगर आप पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो यही टाइम सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज रैम। अब देखो यार, अभी के टाइम पे आपको 16 GB एटलीस्ट रैम लगाना ही चाहिए, चाहे आपको गेमिंग करना है, स्ट्रीमिंग करना है या फिर वीडियो एडिटिंग करना है। 16 GB रैम मोर देन इनफ होता है, बट 16 GB से कम भी यूज नहीं करना है, एटलीस्ट 16 GB तो आपको लगाना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग जी स्किल का रैम यूज कर सकते हैं, दैट इज 8 GB DDR4। यहाँ पे 3200 MHz का आपको क्लॉक स्पीड मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 रैम यूज करना है 8 GB का, तभी आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहने वाला है। इस रैम के सिंगल स्टिक का जो प्राइस है दैट इज 1880 रुपीज, ये अमेजन का प्राइस है। एंड मुझे नहीं लगता यार कि रैम एंड एसएसडी के प्राइस अभी जो चल रहे हैं उससे ज्यादा कम होने वाले। आप खुद सोचो यार कि कितने सस्ते में रैम एंड एसएसडी आपको मिल जाते हैं अभी के टाइम पे। तो काफी अच्छा रैम है, डेफिनेटली गो फॉर इट। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज स्टोरेज। जैसा कि आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि प्राइमरी स्टोरेज में आपको हर हमेशा NVMe यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके नेसेसरी ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर, इसके साथ साथ आपका विंडोज डलाता है, जो कि अगर आप लोग प्राइमरी स्टोरेज में रखते हो, NVMe स्टोरेज में रखते हो, तो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है एंड आपका बूटअप टाइम वगैरह काफी ज्यादा स्मूथ रहता है। तो यहाँ पे आप प्राइमरी स्टोरेज में यूज करो क्रूसियल का P3, जिसमें आपको 500 GB कैपेसिटी मिल जाएगा, जनरेशन 3 SSD है, 3D एंड NVMe M.2 सॉकेट को सपोर्ट करता है। इसका रीड स्पीड 3500 MB/s है एंड राइट स्पीड दैट इज 3000 MB/s। काफी अच्छा SSD है, काफी अच्छा NVMe SSD आपको मिल जाता है, जो कि आपको सिस्टम को काफी ज्यादा फास्ट बनाने वाला है। इसका जो करंट प्राइस है Amazon पर दैट इज 2700 रुपीज, बट यहाँ पे आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको एडिशनल कूपन कोड मिल जाता है, जिसका यूज करके आप लोग 5% डिस्काउंट ले सकते हो। ये ऑफर वीडियो बनाते टाइम है, बाद में हो सकता है कि ये चल गया हो। तो फाइनल प्राइस जो होगा दैट इज 2560 रुपीज। तो काफी अच्छा SSD है, डेफिनेटली गो फॉर इट। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज ग्राफिक कार्ड। अब देखो यार, ग्राफिक कार्ड एक ऐसा कंपोनेंट है एक पीसी के लिए कि पीसी को गेमिंग पीसी तभी बोला जा सकता है जब उसमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड हो। यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इतने भद्दे भद्दे ग्राफिक कार्ड पड़े हुए हैं, जिन्हें अगर आप परचेज करते हैं तो आपका पैसा बिल्कुल ही वेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे अमेजन पे आपको AMD का RX 580 8 GB GDDR5 256 बिट वाला ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली काफी अच्छा है, चाहे आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, स्ट्रीमिंग करना चाहते हो या फिर गेमिंग करना चाहते हो। मतलब आप 1080p हाई सेटिंग में काफी अच्छे FPS के साथ स्मूथ गेमिंग कर सकते हो। बट इस ग्राफिक कार्ड को लेने से पहले देखो, जो चीज मैं बताने वाला उसको ध्यान से सुन लो। सबसे पहला कि ये जेनेरिक GPU रहने वाला है। काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई इसका क्या मतलब है। अब देखो यार, ऐसे जो ग्राफिक कार्ड होते हैं वो चाइनीज मार्केट में बनाए जाते हैं। मतलब GPU, जो मेन GPU होता है, वो तो AMD के तरफ से ही होता है, बट इनमें जो बाहर का बॉडी होता है जिसे हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं, जैसे फैन वगैरह हो गया, इन पाइप्स वगैरह हो गए, ये सारे कंपोनेंट्स चाइनीज होते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि चाइनीज ग्राफिक कार्ड है, किसी भी ब्रांड का नहीं है। मतलब किस ब्रांड का है किसी को कोई मालूम नहीं है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे AMD के सभी तरह के ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, सभी तरह के ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर इसमें रन हो जाते हैं। मतलब ये RX 580 ही रहने वाला है, कंपोनेंट्स चाइनीज हैं। इसका जो अमेजन पर प्राइस है दैट इज 10,999। इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा ग्राफिक कार्ड बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाला है। भले ही ये चाइनीज मार्केट का है, फिर भी ये काफी अच्छा वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये ब्रांड न्यू आपको मिलेगा। बाकी अगर आपको इस तरह के ब्रांड से मतलब नहीं है, तो आप लोग यूज्ड मार्केट को एक्सप्लोर करो। वहाँ पे आप लोग RX का 580, मतलब अच्छे अच्छे ब्रांड्स का, सफायर का, AMD का, MSI जैसे ब्रांड का आप खरीद सकते हो, जो कि 8,000 से लेके 7,000 के बीच में आपको मिल सकते हैं। एंड इसके अलावा NVIDIA का GTX 1060 भी आपको मिल जाएगा इसी प्राइस रेंज के आसपास, मतलब 10,000 के आसपास यूज मार्केट में। तो अगर आप लोग अपना हाथ पैर यूज मार्केट में मारना चाहते हो, तो डेफिनेटली वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। बाकी आपको Amazon से ही परचेज करना है, तो AMD का RX 580 काफी अच्छा है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज पावर सप्लाई। अब देखो, सारे कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए एक पावर सप्लाई काफी ज्यादा जरूरी होता है। पावर सप्लाई में यहाँ पे आप लोग NT स्पोर्ट्स का FB550B यूज कर सकते हो, जो कि 550 वाट का 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन वाला पावर सप्लाई है। एंड ये जिस प्राइस रेंज में आता है, इस प्राइस रेंज में 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन, वो भी 550 वाट का पावर सप्लाई आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। इसका जो अमेजन पर प्राइस है दैट इज 2,989 रुपीज। तो इस सिस्टम को पावर देने के लिए गुड इनफ रहने वाला है। इन फ्यूचर आप लोग RTX 3060 भी लगाना चाहते हो, तो डेफिनेटली इस पावर सप्लाई के साथ
साथ यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं लास्ट कंपोनेंट की, दैट इज कैबिनेट। तो कैबिनेट में आप लोग यहाँ पे सर्कल का एलिगेंटर X1 कैबिनेट खरीद सकते हो, जहाँ पे आपको 4 RGB फैंस मिल जाते हैं। इसका ARGB वाला वर्जन भी आता है जहाँ पे आपको ARGB फैंस मिल जाते हैं, बट उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। तो 4 फैंस मिल जाते हैं, यहाँ पे मेस लुक मिल जाता है, मेस डिजाइन मिल जाता है। एक चीज का आप लोग ध्यान रखना कि गर्मी का टाइम है एंड देखो जो प्रोसेसर है उसके साथ हम लोग स्टोव कूलर ही यूज करने वाले हैं, तो आपको एक ऐसा कैबिनेट चाहिए जिसमें एयर फ्लो काफी अच्छे से मेंटेन रहे। एंड इस कैबिनेट के साथ आपका एयर फ्लो काफी अच्छे से मेंटेन रहता है एंड लुक वाइज भी काफी अच्छा दिखता है। एंड इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 2,990 रुपीज, बट ये अमेजन पर नहीं मिलता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग इसे परचेज कर सकते हो। सो गाइस, दीज आर ऑल दी बेस्ट कंपोनेंट अगर आप लोग गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते थे एंड आपका बजट 40,000 है, तो ये सारे कंपोनेंट्स आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। आपको इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने लिए परफेक्ट पीसी बिल्ड कर सके। तो यहाँ पे आप लोग मॉनिटर में यूज कर सकते हो ViewSonic का VA2215, जो की 22 इंच का फुल HD 1080p रेजोल्यूशन वाला VA पैनल वाला LED बैकलाइट डिस्प्ले प्रोवाइड कराता है एंड काफी अच्छा है। मतलब जिस प्राइस रेंज में आपको मतलब मिलता है, इसके टक्कर का कोई भी मॉनिटर इस प्राइस रेंज में आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको AMD का फ्रीसिंग मिल जाता है, जिसके मदद से इसे आप लोग ओवरक्लॉक कर सकते हो 75 हर्ट्ज तक। बाय डिफॉल्ट ये 60 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है एंड आफ्टर डेट यहाँ पे आप लोग 104% sRGB मिल जाता है। तो सिर्फ गेमिंग ही नहीं, आप लोग इसमें वीडियो एडिटिंग भी काम करना चाहते हो तो वो भी आप इसमें परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। बात करें कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको VGA पोर्ट, HDMI एंड ऑडियो आउटपुट भी दिया गया है। इसका जो अमेजन पर प्राइस है दैट इज अराउंड 6,699 रुपीज, तो काफी अच्छा मॉनिटर है, डेफिनेटली गो फॉर इट। अब बात करते हैं पीसी बिल के टोटल कॉस्ट के बारे में। तो विदाउट मॉनिटर इस पीसी बिल का जो टोटल कॉस्ट रहने वाला है दैट इज 41,400 रुपीज एंड अगर आप लोग मॉनिटर इंक्लूड करते हो तो इसका जो प्राइस होगा दैट इज 48,100 रुपीज। अब देखो यार, यहाँ पे आप लोग कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हो एंड इसी पीसी बिल को आप लोग फुल पीसी मॉनिटर के साथ 45,000 में भी ग्रैब कर सकते हो। तो सबसे पहले पावर सप्लाई आप लोग 450 वाट का यूज कर सकते हो एंड इसके अलावा आप लोग NVMe के जगह SATA SSD यूज कर सकते हो। 2 RAM के जगह 1 RAM यूज करो, बाद में 1 RAM एड कर लेना। तो आप इसी पीसी बिल को यार यहाँ पे 45,000 से लेके 46,000 रुपए में बिल्ड कर सकते हो। सो हाँ यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताओ एंड ये पीसी बिल्ड कैसा लगा ये चीज भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।